दोस्तों अगर आप अपने वीडियो को काइनमास्टर के साथ में एडिट करते हो और उसको HD क्वालिटी में यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो सिंपली आपको अपने वीडियो एडिट करने के बाद में यहाँ पर ऊपर जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, आपको पता ही होगा यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर अनेक जो क्रिएटर है वो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर HD क्वालिटी में इसको सेटअप कर सकते हैं। तो ध्यान से आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से सेटअप किया हुआ, आपको HD 720 पिक्सल इसको यहाँ पर रखना, रेवोल्यूशन को यहाँ पर फ्रेम रेट है इसको आपको 30 पर रख देना है, ठीक है ना, जो हाई है। उसके बाद में आप यहाँ सर देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ये स्कोर कर रहा हूँ उस लाइन को, यहाँ पर MB बता शो हो रही है, ठीक है ना, मुझे कि कितने MB है वो का वीडियो बन रहा है। तो मेरा यहाँ पर लगभग हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो आप 620 समथिंग रख दीजिए, ठीक है ना, ये वाली क्वालिटी देखिए आप रख सकते हैं 6.20 MBPS, और यहाँ पर आपको 116, वो डिफेंड करता है आपकी वीडियो की साइज़ पर, क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो 3 मिनट का मात्र है, तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ। अगर आपकी वीडियो की साइज़ थोड़ी बड़ी है, ठीक है ना, और आपका वीडियो अगर और HD बनाना चाहते हो आप, तो यहाँ पर आपकी जो MB है वो बढ़ जाएगी और आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप YouTube पे अपलोड करते हो या किसी स्टेटस वगैरह प्रपोज के लिए आप अगर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये वाली साइज़ मेरे ख्याल से बेटर होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को HD क्वालिटी में यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप इसी तरह से काइंड मास्टर से रिलेटेड कोई हेल्प पाना चाहते हो तो हमें वीडियो को नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।